हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, मैकबुक में स्क्रीन सेवर में क्लॉक को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर मैकबुक में सेटिंग ओपन कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम प्रेफरेंस, यहाँ पर सेटिंग का आइकन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं सेटिंग ओपन हो गई है। फिर आपको यहां पर डिस्प्ले एंड स्क्रीन सेवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर स्क्रीन सेवर वाले टैब में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन सेवर आपको यहां पर शो हो जाएगा। और यहां पर बहुत सारे स्क्रीन सेवर के ऑप्शन है, आप यहां पर से इसको सेट कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शो विथ क्लॉक, तो यहाँ पर ये बॉक्स में आपको चेक करना है। चेक कर कर आपको यहाँ पर वीव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्क्रीन सेवर में क्लॉक शो हो जाएगी। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो इस बॉक्स में आपको अनचेक करना है। और यहाँ पर प्रीवीव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकबुक में स्क्रीन सेवर में क्लॉक हाइड हो गई है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर का टाइम भी जो है चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन जो है मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली मैकबुक में स्क्रीन सेवर में क्लॉक को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।